बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 4.2 और लेक्चर नंबर 2 है ये स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 5, 14, 23 अप टू सो ऑन इज 239। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म फॉर्म अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे है ए। ए से मुराद यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 5। और डी से मुराद होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। डी से क्या मुराद होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से लेते हैं? नेक्स्ट वैल्यूज में से प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस किया जाता है। जैसे ये 14 है माइनस 5, 14 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाता है। ए से मुराद 5 जो फर्स्ट टर्म होती है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, 14 माइनस 5 तो ये हमारे पास 9 आ गया। इसके बाद आपने इसका फार्मूला ए एन, अच्छा ये इसको हम एनथ टर्म कहते हैं, 239 ये जो एंड पे दी हुई थी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन एन टर्म हमारे पास है 239। ए से मुराद है फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5। एन फाइंड आउट करना है, एन को ऐसे ही लिखेंगे माइनस वन, और डी है हमारे पास 9। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। 239 को इसी तरह से लिखेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1। 239 में से 5 माइनस किया तो 234 आ गया, 9 इंटू एन माइनस 1। अब 234 को 9 से डिवाइड कर देंगे अब 230, ये 9 है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 से कर देंगे। अब हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ जाएंगे 234 को कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें 9 से, 26 इज इक्वल टू यहाँ से एन माइनस वन। अब 26 प्लस वन इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 27। हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस हूज फर्स्ट टू टर्म आर 2 एंड 9। इसकी ये दो टर्म दी हुई हैं। एक टर्म दी हुई है 2, इसको बेशक आप ए 1 से लिख लें, और जो सेकंड टर्म है ए 2 से लिख लें। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन, 9 माइनस 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। 9 टर्म फाइंड आउट करनी है, फार्मूला 9 टर्म यानी कि ए 9 ये फाइंड आउट करना है। फार्मूला लिखे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए वन से मुराद है ए, ए वन जो ए एक ही होता है, ये फर्स्ट टर्म होती है, हम इसी तरह से लिख लेते हैं इसे। नाइन्थ टर्म इसका मतलब है ए 9, ए हमारे पास
ए वन जे ए एक ही है, प्लस एन माइनस वन, एन तो फाइंड आउट करने, नाइन है, नाइन माइनस वन डी हमारे पास सेवन, ए नाइन, इसको इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर, टू प्लस नाइन में से वन निकाला एट, सेवन, टू प्लस 56 और 58 हमारे पास आंसर आ जाता है, ये हमारे पास ए नाइन टर्म का आंसर आ जाता है 58। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स आर इन दी सीक्वेंस 18, 24, 3 और 6, 1, 8। अब इसमें आपने सबसे पहले तो ए वन आपके पास है 18, ए वन या ए ए की चीज़ होती है, फिर इसके बाद इसमें आप डी निकालें, डी होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे कि ए वन है ए टू ए थ्री इसी तरह से डैश डैश डैश, इसको ए एन कहेंगे, डी हमारे पास आ जाएगा ए टू माइनस ए वन, अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, 24 माइनस 18 ये हमारे पास आ गया 6। अब इसमें एन आपने निकालना है, अब हम फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर लेंगे, फार्मूले हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स वन एट 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 6 6 1 8 माइनस 18 6 इंटू एन माइनस वन, ये हमारे पास आ गया 600 6 इंटू एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू निकालनी है, एन के साथ जो है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, यहां से 6 6 के साथ कैंसिल हो गया, एन माइनस वन इज इक्वल टू 100, 100 प्लस वन इज इक्वल टू एन, इट मीन्स एन इज इक्वल टू 101, जी हमारे पास आंसर आ गया इसका 101। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फोर है, हमारे पास इफ एन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए वन 27/2 ए 10 0 फाइंड ए 25। अब आप इसमें इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले जो गिवन है, ए वन 27/2 ए 10 0, अब आपने ए टेन के फार्मूले में पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 10 ए प्लस ए हमारे पास है ए वन 27/2 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी। अब ए टेन है ना, ए टेन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ए टेन की जगह पर 0 0 पुट कर दिया, 27/2 प्लस 9d, अब ये माइनस 27/2 इधर आके हो गया, 9d इधर ही रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 9d इज इक्वल टू माइनस 27। अब डी इज इक्वल टू माइनस 27 बाय ये तो डिवाइड हो गया, 9 3 27 तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3/2, ये वैल्यू आपकी हमारे पास डी की। सबसे पहले हमने ए जो 10 था ना, ए 10 ए वन और ए 10 को लेकर हमने यहाँ से डी फाइंड आउट कर लिया। अब इस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए एक ए चाहिए होता है और एक डी चाहिए होता है और एक एन। अब देखिए, अब हमने डी मालूम कर लिया, अब हम ए 25 इजीली निकाल सकते हैं। दोबारा देख लें, सबसे पहले हमारे पास इसमें एक ए वन दिया हुआ था और एक
10 दिया हुआ था और आपने निकालना है 825। ए माना आपके पास 27 बाई 2 है और ए 10 0। आपने ए 10 0 को यूज करते हुए पहले ये फार्मूला लिख लिया, ए 10 ए ये 10 फिर 27 बाई 2 फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पर एन अभी फिलहाल ये वाला था 10 माइनस 1 27 बाई 2 माइनस 27 बाई 2 9 दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डी की वैल्यू हमने निकाल दी वो माइनस 3 बाई 2 आ गई। अब हमने A25 फाइंड आउट करना है। ये तो हमने डी को निकालने के लिए जो है ना ये सारा प्रोसेस किया। आप फार्मूला लिखे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब निकालना है A25 इज इक्वल टू A1। A1 हमारे पास है 27 बाई 2 प्लस एन। अब हमारे पास ये आ गया ना, अब एन 25 माइनस 1 डी हमारे पास आ गया माइनस 3 बाय। यहाँ पर लिखेंगे 27 बाई 2 25 में से 1 निकाला 24 मल्टीप्लाई माइनस 3 बाय 2 27 बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है लेकिन एलसीएम सेम आएगा इसलिए ना ही कैंसिल करें। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 72 आ जाएगा और 2 27 में से 72 को माइनस, ये डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस 45 बाई 2 आ जाएगा ए 25। इस तरह से 825 का आंसर आ गया माइनस 45 बाई 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सपोज ए एन इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3, डी आपके पास 1 बाई अंडर रूट 3, एन है आपके पास 17 और ए 1 फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आप फार्मूला लिखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखें ए वैल्यूज पुट कर लें, तकरीबन सारी वैल्यू दी हुई है इसमें। ए एन यहाँ पर तो आ गए ना ए 1 ए प्लस एन माइनस 1, एन आपके पास है 17 अच्छा एन 17 है ठीक है, फिर एन 17 माइनस 1 डी 1 बाय अंडर रूट 3 अब इसी तरह से एक और वैल्यूज भी देख लें ए 1 ए 3 ठीक है। अब यहाँ से ए एन से बराबर आ गए, इधर जो ए एन है ना उसकी वैल्यू ए एन की वैल्यू है 6 अंडर रूट 3 ए 1 प्लस एन माइनस 1 17 माइनस 1। अब हम 6 अंडर रूट 3 को इसी तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू ए 1 17 में से 1 निकाले 16 बाय अंडर रूट 3। अब हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 अंडर रूट 3 को इसी तरह से लिखें ये और आके 16 बाय 3 का दो इधर आगे माइनस हो जाएगा ये ए 1 पर। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, हम अंडर रूट 3 एलसीएम है, अंडर रूट 3 एलसीएम से ये मुराद होता है कि अंडर रूट 3 से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई। देखें इधर तो आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 फिर माइनस इधर अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल हो गया 16 इज इक्वल टू ए 1। इसका मतलब है कि 18 माइनस 16 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए 1। यहाँ से माइनस करके आ गया 2 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए 1। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो ए 1 का आंसर इसी तरह से आ जाता है। अब इसको ज़रा दोबारा देख लें, हमारे पास ए एन 6 अंडर रूट 3 दिया हुआ था, डी दिया हुआ था 1 बाई अंडर रूट 3 और एन 17 और ए 1 फाइंड आउट करना था। फार्मूला हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू गिवन थी ना वो आपने पुट कर ली, ए एन की जगह पर 6 अंडर रूट 3 ए या ए 1 ए की होता है प्लस एन माइनस 1 एन 17 माइनस 1 डी की वैल्यू 1 बाई फिर 6 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 17 में से 1
गला 16 हो जी अंडर रूट 3 एलसीएम, फिर ए1 को इधर ही रख दे 6 अंडर रूट 3 माइनस 16 बाई 3, अब इसके एलसीएम अंडर रूट 3 आ गए, वैसे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि जो एलसीएम होता है ना उससे जरा इस तरह बच्चों को ईजी लगता है, जो अंडर रूट 3 होता है ना उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो मल्टीप्लाई करते वक्त कैंसिल हो गई, यहाँ से अंडर रूट 3 तो 3 आ जाएगा, फिर 18 माइनस 16 तो ए1 इस तरह से आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल्स के साथ करेंगे, ये सारे एक ही तरह के ना, पहले 7, इफ़ ए एन माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 5 फाइंड एन एथ टर्म ऑफ दी सीक्वेंस, आपने इसकी एन एथ टर्म निकालनी है। अब जो गिवन है आपके पास इसके सॉल्यूशन में हम कैसे लिख लेंगे, ए एन माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 5, अब इसकी एन एथ टर्म निकालेंगे, एन एथ टर्म के लिए यानी कि ए एन निकालना है इसमें, ए एन निकालने के लिए हम इसमें पुट एन की जगह पर अगर हम एन प्लस 3 पुट कर लें, देखे ना एन की जगह पर एन प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको पीछे की इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें, पुटिंग एन इज इक्वल टू एन प्लस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप देखें अब हम पुट कर लेंगे इसमें, ए एन की जगह पर एन प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू फिर एन की जगह पर एन प्लस 3 माइनस 5, यहाँ से प्लस 3 माइनस, देखें यहाँ से एन एच टर्म आ गया आपके पास, ए है उनसे सिंप्लीफाई कर लेना, 2 3 6 माइनस 5, 2 6 में से 5 निकाला मान ए एम, ये रिक्वायर्ड थी आपको। रिक्वायर्ड जो एन टर्म थी वो आपके पास आ गई। दोबारा देख लें, इफ एन माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 5, आपने इसमें एन एथ टर्म निकाली, एन टर्म ए एन होती है, देखिए यहाँ पर एन एथ टर्म इस तरह से है कि अगर आप एन की जगह पर एन प्लस 3 पुट कर दें, देखिए एन की जगह पर आपने एन प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, एन यहाँ से भी 2 एन प्लस मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 5, 2 एन 6 में से 5 निकाला 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2 के प्लस 7 6 के माइनस 2 8 के माइनस 4 और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहले तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब सबसे पहले हमारे पास सिंस ये जो वैल्यू हमारे पास है कौन सी, 2 के प्लस 7 6 के माइनस 2 और 8 के माइनस 4 आर इन ए पी, अब हम इसमें निकालेंगे ए 3 माइनस ए 2 इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए 1। अब ए 3 हमारे पास कितना है, 8 के माइनस 4 और ए 2 हमारे पास 6 के माइनस 2, ए 2 6 के माइनस 2 माइनस ए 1 2 के प्लस 7। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 के माइनस 4 माइनस 6 के प्लस 2 इज इक्वल टू 6 के माइनस 2 माइनस 2 के माइनस 7। अब 8 के में से 6 के निकाला 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 6 के में से 2 के निकाला 4 के माइनस 9, ये हमारे पास आ गया 2 के माइनस 2 4 के माइनस 9, फिर 2 के माइनस 4 के इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2 माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस माइनस के साथ कैंसिल होके के इज इक्वल टू 7 बाय 2। अब हम ये वाली वैल्यू जब डालेंगे ना इसमें इन फंक्शंस में, तो फिर हमें पता इनमें के की जगह पर 2 के प्लस 7 ए 2 के, फिर हमें पता लगेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है।
ये जो थे ना ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना था, ये तो सारे जिसमें हमने लिखे थे। वैल्यू ऑफ के इन वन, अब वन हमारे पास क्या है ये लिख भी लेते हैं, टू के प्लस सेवन है, सिक्स के माइनस टू, एट के माइनस फोर, वैल्यू पुट कर लें टू के सेवन बाई टू प्लस सेवन कामा सिक्स के की जगह पर सेवन बाई टू माइनस टू कामा फिर एट के की जगह पर सेवन बाई टू माइनस फोर, ये तो टू टू के साथ कैंसिल हो गया, सेवन प्लस सेवन टू थ्री जो सिक्स, ट्वेंटी वन माइनस टू टू फोर जो एट, ट्वेंटी एट माइनस फोर फोर्टीन, नाइनटीन 24 required sequence आ गया आपके पास, required sequence। और एक डी भी लिखना चाहिए अभी सीक्वेंस, अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड सपोज ए एन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट ए सिक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू 30, इसी तरह से एंड ए सिक्स माइनस ए फोर इज इक्वल टू 8, फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लें, सबसे पहले जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है इसको इस साइड लिख लें प्लस ए की 4 इज इक्वल टू 30, और सेकेंड एक्सप्रेशन ए सिक्स माइनस ए सिक्स माइनस ए फोर इज इक्वल टू 8, आप इसको इधर लिख लें। अब हमारे पास जो ए सिक्स हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, ए वन प्लस एन, यहाँ पर ए वन फर्स्ट टर्म होती है फिर एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन माइनस वन सिक्स माइनस वन इसी तरह से यहाँ पर ए फोर, यहाँ पर भी स्टार्ट में तो ए वन ही होता है प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, अब ए सिक्स है ना ये इस तरह से, ये नहीं जिस तरह से होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको छोड़ के तो ये वाली जो है ना इसमें आप वैल्यू पुट कर लेना, ए वन प्लस एन माइनस वन सिक्स माइनस वन इंटू डी, फिर इसी तरह से ए फोर में भी फिर ए वन ही लिखेंगे प्लस फोर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 30, ए वन प्लस फाइव टी प्लस ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 30, ए वन और ए वन कितना आ गया 2a1 प्लस ए डी इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से हम निकालेंगे 2a1 इज इक्वल टू 80 माइनस सॉरी 30 था 30 माइनस 8d, अब यहाँ से ए वन इज इक्वल टू 30 माइनस 8d बाय 2, ए वन इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कॉमन के बल्कि डिवाइड कर दें 30 बाय 2 माइनस 8 बाय 2d, ए वन इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 15 माइनस 4 डी, ये कैंसिल कर दें
ये हमारे पास आ गया 15 - 4d। अब इसी तरह से आपने सेकंड वाला भी अब इसको भी सॉल्व करना है, ये हमारे पास आ जाएगा इसी तरह से a 1 + 6 में से 1 निकाला, 6 - 1 d, फिर माइनस a 1 + 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, ए 1 + 5d - a 1 - -6 में से 1 निकाला 3d इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास कितना था a 6 - a 1। ठीक है, अब इसमें 6 - 1 यहाँ से a 1 + a 1 और -a 1 तो कैंसिल हो गया, 5 में से 3 निकला 2d आ गया इज इक्वल टू 8। यहाँ से d इज इक्वल टू 8/2, d आपके पास आ गया 4। अब d 4 आ गया, इसको आप रख लें यहाँ से 15 - इसकी इक्वेशन फर्स्ट, अब d हमारे पास जब 4 आ गया यहाँ से 4, तो आपने क्या कर देना है, d की वैल्यू 4 आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है, put d is equal to 4 in equation first। equation first में put करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a 1 is equal to 15 - 4d 4, 15 - 16 - 1 - 1 आ जाएगा। अब हम देख लीजिए अगेन फॉर्म, ए की 6 - a की 4 इज इक्वल टू 8, ए 1 + अब इसी तरह से हैंस required arithmetic progression आपके पास आ जाएगी -1, 3 और 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमाइन वेदर -19 और सेकंड पार्ट में जो इसका दिया हुआ है 17, 13, 9। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में (17, 13, 9) लिख लेंगे। ए 1 से मुराद है यहाँ पर 17, डी से मुराद है 13 - 17, डी हमारे पास आ जाएगा -4। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए 1 + n - 1 इंटू डी, यहाँ पर जो nth टर्म है ना वो -19 दी हुई है, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे -19 इज इक्वल टू यहाँ पर 17 + n - 1, n - 1 और डी हमारे पास है -4। अब -19, -17, -4, n - 1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
इनको -19 -17 ये हमारे पास 36 इज इक्वल टू -4 एंड माइनस अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4 से डिवाइड कर दें यहाँ से 4 9 था यहाँ से आ गया आपके पास 9 और यहाँ से -4 -4 कैंसिल हो गया एंड -1 अब यहाँ से 9 + 1 एन एन आपके पास आ गया 10 अब आप क्या लिखेंगे इसमें सीन्स फर्स्ट पार्ट वाले में सीन्स एन इज अ नेचुरल नंबर सो -19 इज अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में बताना है टू आर द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17 13 9 और यू नॉट अब इसके लिए आपने ले लेना है ए आपके पास है 17 डी आपके पास 13 -17 ए एन इज इक्वल टू इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें 2 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन को इसी तरह से लिखें डी -4 2 -17 एंड -1 -4 अब हमारे पास आ जाएगा -15 इज इक्वल टू एन -1 - -4 यहाँ से -15 -4 एंड +4 -15 -4 इज इक्वल टू -4 एंड यहाँ से -19 यहाँ से माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया एन इज इक्वल टू 19/4 अब हम इसका क्या लिखेंगे सीन्स एन कैन ऑनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर वेयर एज n is a fraction so 2 is not term of ab क्वेश्चन नंबर 11 है इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट बी इज इक्वल टू 2ac अब इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो है ना जो गिवन है 1/a, 1/b, 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब एस डिफरेंस है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब इनके डिफरेंस ले लें 1/b -1/a इसी तरह से 1/c -1/b ऐसे 1/b -1/a 1/c -1/b अब आप ये कर लें कि 1/b फिर प्लस 1/b इनको इकट्ठा कर लें 1/c प्लस 1/c यहाँ से आपके पास एलसीएम बी आ गया 2 इज इक्वल टू इधर से आपके पास एलसीएम ये 1/b प्लस 1/b यहाँ पर 1/c और ये 1+a है अब इसका मतलब है एलसीएम आपके पास ac आ गया सी सी के साथ कैंसिल हो गया तो ए प्लस सी 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 के साथ कैंसिल ए प्लस सी यहाँ से आपके पास
ए प्लस ई बाई ए। अब यहाँ से आप लिखें ए प्लस ई बाई टू, इधर आके डिवाइड कर लें, टू ए सी इज इक्वल टू वन बाई बी। अब बी आपके पास इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल यहाँ से बी और इसका रेसिप्रोकल ले लें ए प्लस सी, हेंस प्रूव हो गया। ये जरा दोबारा देख लें,